जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आइए एक खबर देखते हैं बीएड से रिगार्डिंग। जिन बच्चों का 2020 में एडमिशन नहीं हो पाया था, काउंसलिंग के बाद उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिल पाया था, उनके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से मिलेगा बीएड अभ्यर्थियों का अग्रिम जमा शुल्क। क्या है ये खबर, पहले इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं दोस्तों। ये है कि जिन बच्चों का एडमिशन 2020 में नहीं हो पाया था, बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 में काउंसलिंग के बाद कॉलेज नहीं मिल पाया था, उनका फीस रिफंड करने के संबंध में एक खबर है। ठीक है, पूरी खबर पढ़ेंगे आप, पहले संक्षिप्त में समझ जाइए कि खबर क्या है। बीएड 2020 में जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम्स दिया था, काउंसलिंग में 5,000 रुपये पे किए थे या फिर पोल काउंसलिंग में 51,000 रुपये पे किया था, उनकी फीस रिफंड हो चुकी है। लेकिन 617 यहाँ देखिए 617 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के समय खाते का विवरण गलत भरा था, ठीक है, जिसके खाते में पैसा वापस नहीं भेजा जा सका। मौका देने के बाद भी इन अभ्यर्थियों ने अपना सही बैंक खाता विवरण नहीं उपलब्ध कराया। तो इन 617 बच्चों के लिए खबर ये है कि उनको यह शुल्क 5,000 रुपये या फिर उनके 51,000 रुपये जो उन्होंने काउंसलिंग के टाइम पे किया था और पैसे रिफंड नहीं हो पाए हैं, वह यह पैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस से जाके ले सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में आप कैंपस में आइए, वहाँ पे आपको डीडी मिल जाएगी, लेकिन कब तक मिलेगी, 20 मार्च से पहले, ठीक है। 20 मार्च तक इन 617 बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पैसे रिफंड नहीं हो पाए हैं और आपका बैंक विवरण गलत होने के कारण, तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय जाकर ये पैसे आप ले सकते हैं। बीएड 2020 के छात्र जो एडमिशन्स नहीं ले पाए थे, जिनका काउंसलिंग में सीट नहीं मिल पाया था। अच्छा, दूसरी बात, काउंसलिंग में जिनको सीट मिला था और सीट मिलने के बाद एडमिशन नहीं लिए थे, उनके पैसे रिफंड नहीं हो गए। जिनके काउंसलिंग में सीट नहीं मिला था, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए खबर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की काउंसलिंग में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के बैंक ड्राफ्ट के जरिए जमा अग्रिम शुल्क वापस करेंगे जिन्होंने खाते का गलत विवरण भरा था। पहले इन अभ्यर्थियों को ईमेल पर विवरण मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। अब विश्वविद्यालय ने 20 मार्च तक इन सभी को समय दिया है। अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में विश्वविद्यालय के शिक्षा सत्र विभाग में अपना आधार कार्ड और प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी के साथ आकर बैंक ड्राफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमित वाजपेयी ने बताया कि विगत वर्ष उत्तर प्रदेश संयुक्त परीक्षा बीएड 2020 में क्या कि काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों को किसी भी महाविद्यालय में सीट आवंटित नहीं हो पाई है, मुख्य काउंसलिंग में जमा 5,000 रुपये अथवा पूल काउंसलिंग में जमा 51,250 रुपये उनके बैंक खाते में भेजने थे, तो ठीक है। ये वो बच्चे जिनको कोई सीट नहीं आवंटित हो पाई थी, उन बच्चों के अगर पैसे अभी भी फंसे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस में जाके बैंक ड्राफ्ट डीडी लेके आप अब पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये खबर थी 2020 बीएड विद्यार्थियों जिनके कोई सीट नहीं मिल पाया था काउंसलिंग में, उन बच्चों के लिए। जिन बच्चों को काउंसलिंग में सीट मिल गया था या फिर जिन बच्चों ने एडमिशन्स ले लिया है, उनके लिए ये खबर नहीं है। हाँ, अगर आपके पैसे काउंसलिंग में जमा है और आपको सीट नहीं मिली थी और पैसे रिफंड नहीं हुए, तो इस माध्यम से आप पा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अवध विश्वविद्यालय या फिर किसी भी स्टूडेंट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो थोड़ा जल्दी करिए, चैनल से जुड़िए, साथ पढ़ेंगे साथ समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों।